एक बार एक पिता ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। वो उन्हें समझाना चाहते थे कि सही अफसर का चुनाव कैसे करें। इसके लिए उन्होंने पानी का एक बर्तन लिया और उसमें एक मेंढक को डाल दिया। मेंढक बड़े ही मजे से पानी में उछल कूद कर रहा था। कुछ समय बाद पिता उस बर्तन के नीचे आग जला देते हैं। धीरे धीरे करके बर्तन का पानी गर्म होने लगता है। मेंढक का उस बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो अपने आप को उस तापमान के अनुकूल बनाने में लग जाता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता, वो मेंढक अपने आप को उस पानी के अनुकूल बनाता जाता। लेकिन कुछ समय के बाद पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो उबलने लगता है। अपने आप को उबलने पानी के अनुकूल बनाना मेंढक की क्षमता से बाहर था और मेंढक को लगने लगा इस बर्तन से बाहर निकल जाना चाहिए। इसलिए उसने छलांग लगाई, लेकिन वो बर्तन से बाहर नहीं निकल पाया। उसने फिर से छलांग लगाई, वो फिर से उसी बर्तन में वापस गिर गया। अंत में वो उसी बर्तन से ही मर गया। वो दोस्त, क्या आप जानते हैं कि मेंढक बर्तन से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा अपने आप को उस गर्म पानी से अनुकूल बनाने में लगा दी। जब बर्तन से बाहर निकलने का समय आया, तब छलांग लगाने के लिए उसके पास ऊर्जा ही नहीं बची। तो दोस्त, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं बिल्कुल उस मेंढक की जैसी, जो अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। और जैसे कि मेंढक के पानी गर्म करके शुरुआती चेतावनी भी मिली, उसी तरह उस इंसान की लाइफ में भी ऐसे कुछ आते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, उसको उस कंडीशन से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उस मेंढक के रूपी इंसान उस सब चेतावनी को नज़रअंदाज करता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी दोस्त भी कुछ नहीं कर सकती और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। तो दोस्त, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिस्थिति बिगड़ने की राह ना देखे, उसे पहले ही सही अफसर का बना के उसे बाहर निकलने की कोशिश करें।